ये सब काम आपने किसकी हेल्प से किए हैं? पानी पानी से। किसकी हेल्प से किए हैं? पानी से। अभी जैसे पहले भी क्लास हुई है, पानी के बारे में सर ने बताया है। पानी जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, हाथ धोना है पानी चाहिए, कपड़े साफ चाहिए उनको धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए, हर एक काम के लिए हमें पानी चाहिए ना। और अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो आप उसको यूज कर लोगे? पी लोगे पानी? मतलब प्यासे रहोगे? ठीक है, अभी मैं एक बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है चिंटू। क्या नाम है बच्चे का? चिंटू। चिंटू, एक दिन रविवार है, रविवार के दिन छुट्टी होती है। उसकी मम्मी के पास उसकी फ्रेंड का फोन आ गया कि आज हमारे घर में फंक्शन है और आप ऐसे ऐसे आ जाना। तो उसकी मम्मी ने चिंटू को बोला कि आज मुझे बाहर जाना है, इसलिए तुम घर पे रहोगे और मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा के अच्छे से पढ़ाई करना और फिर घर का जो काम जो उसकी मम्मी करती है, कुछ कुछ जैसे घर में कूड़ा लेने वाला आता है, कूड़ा लेने वाला आता है तो उसकी मम्मी नहीं होगी तो कूड़ा कौन डालेगा। तो वो एक ही काम बता के गई है उसको कि कूड़े का जो डब्बा है भरा हुआ है, कूड़े वाला लेने आएगा तो उसको कूड़ा दे देना है। लेकिन बच्चा है, अब देख लिया घर में कोई नहीं है, अब उसी का राज है घर में, जो उसका मन करेगा वही करेगा। ऐसे ही करते हो ना? अभी मम्मी बाहर गई है, पापा बाहर गए हैं, खुद का राज है, छोटे भाई बहन है तो उनसे काम करा रहे। ऐसे ही करते हो? ऐसे ही करते हो? मैम मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अपनी मम्मी की बात मानता हूँ, ये गंदे बच्चे। मैम के लिए क्लैपिंग कर दो। अच्छे बच्चे ऐसे होने चाहिए ना, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताना चाहिए कैसे, अगर बड़े नहीं है तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो अब बच्चे ने क्या किया, मम्मी जैसे ही गई है खाना नहीं खाया, खेलने के लिए चला गया बाहर। अब बाहर गया है, मिट्टी में खेल रहा है, सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं, सारे हाथ गंदे कर लिए हैं। डेढ़ दो घंटा खेलने के बाद फिर उसको याद आया है कि घर भी जाना है, भूख लगी है। घर आया है, पूरा ट्रंक पानी का भरा हुआ है, आया गंदे हाथ पूरे पानी में डुबो दिए उसने। अब पानी कैसा हुआ? गंदा। ये उसने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? गलत काम किया। अब देखा उसने पानी गंदा हो गया है, हाथ बाहर निकाले उसने, फिर उसको याद आया मम्मी ने काम बताया था, कूड़ा डाला है, कूड़ा वाला तो आया चला गया उसके पीछे से। अब उसने डस्टबिन उठाया, पहले ही कपड़े गंदे, डस्टबिन उठाया और बाहर गया नदी के पास, नदी में कूड़ा डाल दिया। ये काम अच्छा किया कि गलत किया? खाना नहीं खाया, बाहर से लेके आया, पैकेट में लेके आया, प्लास्टिक के पैकेट में लाया है, खाया है और कहाँ फेंक के आया ताकि मम्मी को ना पता लगे कि मैंने पीछे से क्या खाया, पानी में डाल, नहीं पानी में डाल दिया है, पड़ोसी को लड़ाई कर देंगे ना, मैंने पानी में फेंक के आया। अब ये काम अच्छा किया कि गलत किया? गलत किया। और पानी, घर का पानी खराब कर दिया उसने, अपने कपड़े नदी में धोके लाया जिसमें उसने कूड़ा फेंका था, ये काम अच्छा किया कि गलत किया? गलत किया। अब सारा पानी उसने गंदा कर दिया, बाहर भी जाके वो गंदगी फैला रहा है। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। जो हम घर में काम करते हैं या आसपास काम करते हैं, हम अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन जाने अनजाने में हम पानी गंदा कर देते हैं। कुछ लोगों को पता होता है, बड़ों को पता होता है, लेकिन वो फिर भी वही काम करते हैं, पानी को जानबूझ के गंदा करते हैं। अब ये देखो चिंटू है, ये उसने नदी में पानी में कूड़ा डाल दिया, उधर कोई गांव की और कपड़े धो रही है, सारा पानी गंदा हो रहा है। वो इधर देखो, ये इसमें आप बताओगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? मछली मर रही है। कैसे मरी है वो? गंदा पानी कहाँ से आया? फैक्ट्री से। जो भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, फैक्ट्री में नया नया सामान बन रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे वो बना है, जिस प्रोसेस से बना है, उसका गंदा पानी कहाँ रहा है? नदी में। अब उनके लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन जो पानी के जीव जंतु है उनके लिए अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? पहले की मछली ऐसी थी, साफ पानी था उसके लिए, अच्छी थी, खुश थी, दिखने में भी खुश लग रही है ना, लेकिन गंदे पानी में आके काली हो गई है, सांस नहीं ले सकती है, वो उसके अंदर गंदा पानी जा रहा है और थोड़े दिन बाद वो मर गई है और फिर ऐसे हो गई है। तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम? बुरा। मछली भी गई है, गंदा पानी कर दिया है और हम अपने लिए नया सामान बना रहे हैं। उसके बाद इधर देखो, ऑयल सर ने बताया था, ऑयल यूज करते हो ना सभी सिर में लगाने के लिए, अभी ठंड है, ठंड में शरीर पे भी लगाओगे, वो तेल आता कहाँ से?
अब सब जगह तो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती ना कहीं से मंगवाना पड़ता है। अब वो तेल के पूरे पूरे ट्रंक जो है वो समुद्री जहाज कहाँ चलता है? पानी में। अब वो कहीं दूसरी जगह से समुद्री जहाज में रखते हैं और वो सामान लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी सामान इतना भारी हो जाता है वो पानी में डूब जाता है, या फिर कोई ट्रंक खुला रह गया है उसमें से तेल निकल रहा है, तो वो तेल पानी में मिलके वो अच्छे से घुलता तो नहीं है ना? पानी के ऊपर तैरता है, और पानी के ऊपर तैरेगा तो फिर वही काम होगा। पानी के ऊपर तैरेगा ना पानी के अंदर? हाँ जी सर, वजन से पानी का जहाज नहीं डूबता, पानी का जहाज नहीं डूबता। मछली मारनी है जी, 10 मिनट लगती है सर। जो तेल है वो पानी में चला जाता है, उसके ऊपर लेयर बना लेता है जिससे ऑक्सीजन वो पानी में मिक्स नहीं हो पाती। उस पर जो जो सी में जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी होता है। ठीक है, वो लेयर जो बन जाती है ना, धूप की रेस उसके अंदर पहुंचती है और उसके लिए जो खाना वाना धूप की वजह से बनता है वो नहीं बन पाता है, तो वो अंदर ही मर जाते हैं और उसे उनका भी शरीर उसी में रहता है और पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद जो घर में हम काम करते हैं, घर में बहुत सारे काम ऐसे थे, उसका पानी जो है हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। हमारे घर से तो नाली से निकल के गया है, आगे आपको पता है कहाँ जाता है? शिवर में और गांव के बाहर जो चोर बने होते हैं उसमें जाता है, खुले में जाता है, वो गंद फैलाते हैं उधर। वो पानी ना पीने लायक रहता है, ना कपड़े धोने लायक रहता है, किसी काम में नहीं रहता है, और जल को सारे पानी को खराब कर देता है। तो आप ऐसा काम करोगे? नहीं करेंगे। तो अब ये थे जल प्रदूषण के कारण, जो हम जानते हुए भी उसको अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा, हमारे एक के करने से एक ग्लास पानी खराब कर दिया तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, 100 जने एक एक ग्लास पानी खराब कर देंगे तो कितना सारा पानी खराब हो जाएगा ना। तो आप जब एक बंदा शुरू करेगा तभी तो हम पानी को बचा सकते हैं ना।